नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु वर्मा, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के पोलराइजेशन को स्टडी किया था। तो पोलराइजेशन जो फिनोमेना है उसका जो प्रैक्टिकल यूज है, दैट वी सी इन कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दिस देयर आर टू मेटेलिक प्लेट्स व्हिच आर शोन बाय दीज ब्लू वर्टिकल लाइंस एंड द एरिया ऑफ दीज इंडिविजुअल प्लेट्स आर कैपिटल ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स आर स्मॉल डी। अब इन दो प्लेट्स के बीच में और डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है को प्लेस किया गया है। तो इस तरह से एक कैपेसिटर फॉर्म होता है जिसकी कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन में स्मॉल डी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर को कंबाइन फॉर्म में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। इस तरह से द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.85 इनटू 10 पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर और 8.85 इनटू 10 पावर माइनस 14 फैराड पर सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और कई बार कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसकी वैल्यू को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो है 1/36π इनटू 10 पावर माइनस 9 फैराड पर मीटर। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी मटेरियल हो उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू कम से कम एप्सिलॉन नॉट के इक्वल तो होगी ही होगी। और जैसे जैसे हम रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो उस मटेरियल का या उस पर्टिकुलर मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इंक्रीज होगी। सो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर एंड ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल डी। देयरफॉर वी कैन चेंज द कैपेसिटेंस बाय चेंजिंग एनी ऑफ दिस थ्री पैरामीटर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ मच एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। हियर वी इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। नाउ वी नो सी इज इक्वल टू दिस एंड फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड अगर हम परमिटिविटी को या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर को 3 times या 4 times कर दें तो कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी भी 3 times या 4 times हो जाएगी, provided other parameters are constant. The next thing is how much charge can be stored on either plate of the capacitor is equal to CV means capacitance multiplied by voltage across the capacitor. तो यहाँ से भी पता चलता है अगर हम dielectric constant को बढ़ाएंगे तो जो प्लेट पर स्टोर होने वाला चार्ज है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। The next thing is related to dielectric breakdown of dielectric or in this case we can say capacitor breakdown. तो वो voltage जिस पर capacitor का breakdown हो जाएगा that is equal to maximum electric field that can be tolerated by the particular dielectric multiply by the thickness of dielectric or here the separation between the plates means E max into small d. यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो dielectric breakdown voltage होती है वो केवल dielectric की thickness पर depend करती है, ना कि उस dielectric की लंबाई चौड़ाई यानी के उसके area पर। अब देखिए किसी भी capacitor की capacitance की जो value होती है वो generally hundreds of picofarad से लेकर hundreds of microfarad की रेंज में होती है। पिकोफेरेड मींस 10 पावर माइनस 12 एंड माइक्रोफेरेड मींस 10 पावर माइनस 6। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर पिकोफेरेड की रेंज में है तो उसे हम कहेंगे लो कैपेसिटेंस। अगर नैनोफेरेड की रेंज में है मींस 10 पावर माइनस 9 तब हम कहेंगे मीडियम कैपेसिटेंस। और अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफेरेड की रेंज में है तब हम कहेंगे हाई कैपेसिटेंस। किसी बड़े से बड़े कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू इसी रेंज में रहती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलीफेरेड या उससे ज्यादा होना बहुत ही रेयर है जो प्रैक्टिकल केस में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट कैपेसिटर इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को बनाया कैसे जाता है। उसके लिए दो मेटेलिक फॉइल होती हैं जिनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया जाता है और फॉइल्स के अक्रॉस इस तरह से एक वोल्टेज अप्लाई की जाती है। वोल्टेज अप्लाई करने से इस सिस्टम में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो जनरली यूज किया जाता है वो मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 या फिर बोरोक्स होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से एक ऑक्साइड लेयर इस प्लेट पर एक्युमुलेट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये ऑक्साइड किस मेटल का बनेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने ये मेटेलिक फॉइल किस मेटल की यूज की है। जनरली ये मेटेलिक फॉइल एल्यूमिनियम या फिर टेंटलम की होती है, लेकिन मोस्टली जो यूज होती है वो यूज होती है एल्यूमिनियम फॉइल। तो अगर एल्यूमिनियम फॉइल यूज की है तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जो ये ऑक्साइड
लेयर डेवलप हुई है वो होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड मींस Al2O3 विच इज अ डाइलेक्ट्रिक, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियरली इक्वल टू 9 और 10 के होता है। अगर हम यहाँ पर टेंटलम फॉइल यूज करते तो जो ऑक्साइड डेवलप होता वो होता Ta2O5। अब ये ऑक्साइड लेयर डेवलप होने के बाद हम इस की को ओपन कर देते हैं मींस वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देते हैं और हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर तैयार हो गया है। इसमें ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है ये एक्ट करती है एज द फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जो ऑक्साइड लेयर डेवलप हुई है वो एक्ट करेगी एज ए डाइलेक्ट्रिक, और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था वो एक्ट करेगा एज ए सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और जो ये एल्यूमिनियम फॉइल है दिस इज ऑप्शनल, इसका फंक्शन अब केवल एक कनेक्शन प्रोवाइड करना है सो दैट वी कैन फिक्स ए कैपेसिटर इन द सर्किट। वो प्लेट जिस तरफ डाइलेक्ट्रिक फॉर्म हुआ है मींस मेटल प्लेट साइड विल एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल मींस एनोड, और जिस तरफ इलेक्ट्रोलाइट है दैट साइड विल एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल मींस कैथोड। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है ये एक पोलर कैपेसिटर है। पोलर मींस इसके जो टर्मिनल की पोलैरिटी है वो डिफाइन है। हम अगर इसको सर्किट में यूज करेंगे तो एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही जोड़ सकते हैं। मींस अगर हम रिवर्स पोलैरिटी के साथ इस कैपेसिटर को बैटरी से लगाएंगे तो ये कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। सो वी कैन से बिकॉज दिस इज पोलर कैपेसिटर देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड फॉर डीसी ओनली एंड नॉट फॉर एसी, क्योंकि एसी में टाइम के साथ वोल्टेज या करंट की पोलैरिटी चेंज होती है और पोलैरिटी चेंज होने पर ये कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। नाउ अदर पॉइंट इज क्योंकि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक फॉर्म हुआ है वो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से फॉर्म हुआ है, तो इस कारण ये जो लेयर है इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, और अगर इसकी थिकनेस बहुत ही कम है इसका मतलब स्मॉल डी की वैल्यू बहुत ही कम है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जितना कम होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी बिकॉज कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। इस वजह से जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस जनरली बहुत हाई रहती है। हाई कैपेसिटेंस मींस इन द रेंज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोफेरेड एंड वी कैन से दीज कैपेसिटर्स हैव हाई कैपेसिटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यहां एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है दैट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट नॉट एज ए डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक फॉर्म होने के बाद इस इलेक्ट्रोलाइट ने कैपेसिटर की सेकंड प्लेट की तरह एक्ट किया है, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो Al2O3 या Ta2O5 बनता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटेलिक फॉइल। एक चीज और, अगर हम दो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो कि नेचर में पोलर हैं उनको सीरीज में जोड़ दें जिससे कि उनकी ऑपोजिट पोलैरिटी की प्लेट आपस में कनेक्ट हो जाएं, और यहां से इस टर्मिनल को अगर हम ग्राउंड कर दें तो एक पोलर कैपेसिटर को इस अरेंजमेंट से हम नॉन पोलर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अब ये नॉन पोलर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर बन चुका है इसलिए इसको हम एसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। फाइनली जो यहां पर ध्यान रखने वाली बात वो है इसके ड्रॉबैक। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में लीकेज करंट ज्यादा रहता है क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो बहुत ही कम है, और उसकी वजह से लीकेज करंट ज्यादा रहेगा, और इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी और लाइफ स्पैन भी काफी कम होता है। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के बारे में। यहाँ पे हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक इन एसी फील्ड। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।